सो गाइज आज मैं आपको दुनिया का सबसे बेस्ट कस्टम एचओडी दिखाने वाला हूँ जो कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। एंड ये जो कस्टम एचओडी है अगर गाइज आप इसको ट्राई करते हो तो इसमें गाइज आपके रिफ्लेक्सेस एंड क्विक रेस्पॉन्स टाइम दोनों ही इम्प्रूव हो जाएंगे जिससे गाइज आपके वन टैप ऑटो हेडशॉट एंड मूवमेंट स्पीड काफी फास्ट होने वाली है। और ये कस्टम एचओडी उन प्लेयर के लिए है जो कि पहले टू फिंगर में खेलते थे और अभी थ्री फिंगर में आना चाहते हैं। तो गाइज ये है वो कस्टम एचओडी जिसके अंदर मैं खुद खेलता हूँ। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा ग्लूवॉल लेफ्ट फायर बटन एंड क्विक वेपन स्विच बटन सबसे ऊपर है और सिट बटन एंड जंप बटन यहाँ पर रहते हैं। सिंपल है, ठीक है। तो अब आपका इससे रिफ्लेक्सेस कैसे तेज होगा, तो देखो आप इस कस्टम एचओडी के अंदर पीसी प्लेयर से भी ज्यादा फास्ट खेल सकते हो। वो कैसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो एपलो पाटो को तो आप जानते होंगे, तो इसके अंदर गाइस आप एपलो पाटो वाली मूवमेंट कर सकते हो क्योंकि जो आपका सिट बटन है वो लेफ्ट साइड में रहता है। तो आप कुछ इस तरह से एपलो पाटो वाली मूवमेंट कर सकते हो जो कि यार पीसी प्लेयर से भी ज्यादा बढ़िया लगती है, ठीक है। और गाइज आपने पागल M10 को भी देखा होगा, वो क्राउच हेडशॉट मारता है तो वो गाइज ट्रिगर या फिर कुछ तो यूज करता है, बट आप बिना ट्रिगर यूज किए आप क्राउच हेडशॉट मार सकते हो। अगर आपका सिट बटन लेफ्ट साइड में रहेगा तो आपको क्राउच हेडशॉट मारने में बहुत ही इजी होगा। इसका जो थर्ड एडवांटेज है वो ये है, जब भी गाइज आप किसी एनिमी से फाइट करते रहते हो तो आप वहां पर जॉयस्टिक का यूज करते हो। अगर आपका ग्लूवॉल बटन नीचे है तो आपको अपने जॉयस्टिक को छोड़ना पड़ेगा, बट अगर आपका ग्लूवॉल बटन मेरी तरह ऊपर रहेगा इस कस्टम एचओडी के अंदर आप खेलोगे तो आप अपने जॉयस्टिक को पकड़े पकड़े ही ग्लूवॉल को लगा सकते हो। अभी कुछ चीजें हैंडकैम के साथ समझ लेते हैं, यानी कि मैं ग्लूवॉल कैसे लगाता हूँ, मैं बैक ग्लूवॉल कैसे लगाता हूँ, 360 डिग्री ग्लूवॉल कैसे लगाता हूँ, ठीक है। तो रनिंग ग्लूवॉल मारने के लिए यानी कि सामने 3-4 ग्लूवॉल मारने के लिए या फिर बैक ग्लूवॉल मारने के लिए मैं लेफ्ट फायर बटन का यूज करता हूँ। सबसे पहले मैं ग्लूवॉल के ऊपर टैप करूंगा, उसके बाद जंप करके मैं लेफ्ट फायर बटन के ऊपर टैप टैप कर दूंगा जिससे कि मेरी ग्लूवॉल इस तरह से लग जाएगी, आप हैंडकैम में देख सकते हो, ठीक है। और गाइस जब मैं किसी एनिमी से फाइट करता रहता हूँ अगर मेरे को अपने सामने एक ग्लूवॉल मारनी है तब मैं अपने मेन फायर बटन का यूज करता हूँ। जी हाँ गाइस, आपको लग रहा होगा कि मेन फायर बटन से थोड़ी स्लो ग्लूवॉल लगती है, बट ऐसा नहीं है। अगर गाइस आपकी हैंड स्पीड है तो आप बहुत फास्ट ग्लूवॉल लगा सकते हो मेन फायर बटन से भी, जैसा कि आप हैंड कैम में देख सकते हो। और अगर गाइस मेरे को अपने आप को 360 डिग्री में पैक करना है तब भी मैं अपने मेन फायर बटन का ही यूज करता हूँ। मैं अपने मेन फायर बटन से ग्लूवॉल मारता रहता हूँ और अपने जॉयस्टिक को इधर उधर करता रहता हूँ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जिससे कि आप बहुत ही फास्ट 360 डिग्री ग्लूवॉल मार सकते हो। तो गाइज इसी तरह से मैं इस कस्टम एचओडी में खेलता हूँ। वैसे गाइज आप कौन सी क्लास में हो प्लीज कमेंट में बता देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।